पहली गाड़ी को वैक्स किया है तो इतना ज्यादा स्लिपरी हो गया है कि जो भी मैं रख रहा हूँ ना, जैसे कि मैं अगर केस रख के दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए सब सरक जा रहा है अपने आप। एनीवे गाइस वेलकम बैक। आई गेस जब मैं ये सब टेस्ट नहीं करता था तो 3-4 साल पहले की बात है, इसी गाड़ी से मेरे फ्रेंड का फ़ोन इस गाड़ी के टायर के नीचे आ गया था। सैमसंग का गैलेक्सी S5 या कुछ था, तो पूरा कम्प्लीटली शैटर्ड हो गया था। पेन बेचारे को नया फ़ोन खरीदना पड़ गया था। आज हम सेम टेस्ट करने वाले हैं। मैं जिस फ़ोन को यूज़ करने जा रहा हूँ वो है Mi 10i 5G। और पहले मैं आपको ऐसे कैजुअल ड्रॉप टेस्ट दिखाता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि लाइक केस गुड इनफ है, देन हम उसको एक कार क्रैश टेस्ट करते हैं। लेट्स सी कितना डैमेज होता है। और टू बी फेयर हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए एकदम ब्रांड न्यू सील पैकेज है आपके सामने इस फ़ोन का। और ये है Mi 10i 5G, आज ही सुबह डिलीवर हुआ है, अमेज़ॉन की शिपिंग रियली फास्ट है। और ये रहा फ्रेश फ़ोन Mi 10i 5G। और इससे पहले जो केस मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, ये केस आपने पहले भी देखा है और इससे पहले अपने बहुत से केस ट्राई किए, तो करेंटली मैं यही केस यूज़ कर रहा हूँ, मेरी ये गोटू केस है। और इसके साथ ही अगर आपके पास रियल Mi X7 या अदर डिवाइस हैं तो उसका भी आप केस देख सकते हैं। बाय द वे अगर आपको नहीं पता, Mi 10i का जो रिपेयर चार्ज है, आपने देखा था ये टोटल क्लियर एडिशन था, मैं कुछ टेस्ट कर रहा था तो उससे इसका बैक पैनल टूट गया था, तो लगभग 13,500 का रिपेयर चार्ज आता है। तो अगर आपकी डिवाइस 20,000 की है तो आपको 13,500 रुपये का रिपेयर चार्ज देना पड़ सकता है अगर आपका डिस्प्ले बैक पैनल टूट जाता है। एंड साथ में हम कुछ टेम्पर ग्लास भी यूज़ करेंगे, ग्लेजिंग का सेम कंपनी का केस है, तो मैं टेम्पर ग्लास इस फ़ोन पर अप्लाई करता हूँ। फ़ोन मैंने जस्ट नाउ टर्न ऑन किया है और ये रहा आपके सामने Mi 10i परफेक्टली फ्रेश एकदम, अभी तक स्टिकर्स मैंने नहीं निकाले हैं। और केस की आप फिनिशिंग देख सकते हैं कैसा लगता है, काफ़ी टाइट है, थोड़ा सा राउंड ग्रिप भी है और कैमरा लेंस भी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है। डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हैं, रियलमी रेडमी सैमसंग, तो सब में आपको मोस्टली सिमिलर कलर ही मिलेगा। और ये टेम्पर ग्लास मैंने लगा रखा है, अभी मैंने जस्ट तुरंत लगा रखा है क्योंकि मैंने फ़ोन अभी जस्ट नाउ निकाला। कुछ बबल्स हैं, अगर आप केयरफुली लगाएंगे डेफिनेटली आप एकदम परफेक्ट फिनिशिंग पा सकते हैं, टच इन ऑल थिंग्स विजीजे कूल हैं। ओके सो फर्स्ट हम एक कैजुअल टेस्ट करते हैं, यू नो जस्ट टू मेक श्योर लाइक केस गुड इनफ है कि नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट कुछ कैजुअल ड्रॉप करते हैं, अगर हम वेस्ट हाई से फ़ोन गिरा देते हैं देन लेट्स सी व्हाट हैपन। सो हमने ऐसे टेस्ट काफ़ी किए हैं, आपने देखा है OnePlus 8T Nord सभी फ़ोन के साथ हमने टेस्ट किए हैं, सो फ़ोन परफेक्टली वर्क करेगा, नो सच प्रॉब्लम, अभी भी वर्किंग है एज यू कैन सी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ और ऑलरेडी फुल है। ओके लेट्स स्टॉप वन मोर टाइम, रियर साइड नो सच प्रॉब्लम, गुड। एंड अगर आपका स्क्रीन फ्लैट कितना है, वैसे यहाँ पे काफ़ी पत्थर हैं तो चांसेस हैं कि टेम्पर ग्लास ऑब्वियसली यहाँ पे टूट जाएगा, स्टिल लेट्स सी क्या होता है। ओके सो नहीं टूटा क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिपिंग है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा उठी है, तो अगर आपका फ़ोन फ्लैट सरफेस पे करता है तो डेफिनेटली कोई इश्यूज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए एक दो बार और ड्रॉप करते हैं, अगर थोड़ा सा हाइट बढ़ा के हम ड्रॉप करते हैं अराउंड 5 to 6 feet की हाइट, कुछ नहीं हुआ, अभी भी ओके है। एंड यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था एट द टाइम, अभी भी फिर से साइड से इम्पैक्ट हुआ और टेम्पर ग्लास भी सरप्राइजिंगली बचा हुआ है। ऑलराइट सेकेंड लास्ट टेस्ट क्विकली फ्लैट, वाओ टेम्पर ग्लास अभी भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एजेस हैं काफ़ी परफेक्ट हैं, इम्प्रेसिव। ओके फिनाली टेस्ट स्क्रीन साइड से बिफोर क्रैश टेस्ट, और यहाँ शायद टेम्पर ग्लास टूट सकता है स्टिल। ओके नो सच प्रॉब्लम, अब यहाँ से टूटा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टूटा क्योंकि यहाँ पे कुछ कांच के पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे लगे होंगे, शायद इसीलिए टूट गया है। और निकाल के भी देख लेते हैं कि कोई इन केस कोई इंटरनल डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। एज यू कैन सी फोन परफेक्टली ओके है, कोई दिक्कत नहीं हुई है एंड कैमरा लेंस भी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है। मेरे पास गाइस टेम्पर ग्लास तो नहीं था तो मैंने इसी को वापस लगा दिया इसी फ़ोन को, सो फोन परफेक्टली वर्किंग है, सेम केस इन ऑल द कूल स्टफ। तो मैं फ़ोन को ऐसे रख रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर किस डायरेक्शन पे रखना चाहिए, प्रॉब्ली नेक्स्ट टेस्ट में आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे रखूँ। तो मैं कोशिश ऐसे कर रहा हूँ कि जो इम्पैक्ट है वो इसके स्क्रीन पे आए, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और तभी कैमरे पे इम्पैक्ट आएगा। लेट्स सी, तो मैं एकदम यहाँ पे फ़ोन को रख रहा हूँ और
गाड़ी में स्ट्रेट लेके आऊँगा, देखते हैं क्या होता है, फ़ोन बजता है कि नहीं बजता है। ओके, मी टेन आई 5G, लेट्स सी 1500 किलो की गाड़ी से क्या ये बचेगा। So, what happened? गजब, and that's cool. Tempered glass तो बाहर आ गया है, but case and let's see screen damage हुई कि नहीं हुई है, so, हमें वो check करना है. Actually मैंने दो बार इसलिए चढ़ा दिया, front wheel से भी और rear wheel से भी. So here we go. अमेजिंग. तो देखा आपने, सो दैट्स कूल स्टफ. अगर आप ऐसा केस और टेम्पर ग्लास लगाते हैं, अगर आपका फ़ोन गाड़ी के नीचे भी आ जाता है, गिर भी जाता है ऐसे रफ सरफेस पे, तो भी आपका फ़ोन टूटेगा नहीं. तो अगर आप 500-600 रुपये और ये मिला के 1000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो 13,500 रुपये आपके बच सकते हैं. तो अभी तो फ़ोन परफेक्टली सर्वाइव कर गया. और गुड पार्ट क्या है, देखिए कैमरा का लेंस भी ओपन था, यानी कि ये ज़मीन पर एकदम यू नो नेकेड था, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और अभी भी परफेक्टली वर्किंग है. विथ केस कुछ नहीं हुआ, तो अब मैं इसको विदाउट केस हम कार क्रैशेस करते हैं. लेट्स सी क्या फ़ोन सर्वाइव होता नहीं होता. सी वी नो दैट कि ये टूटेगा ज़रूर, क्योंकि ग्लास है, सरफेस बहुत रफ है, लेकिन क्या फ़ोन इवेंचुअली एट द लास्ट वर्किंग कंडीशन में कि नहीं, दैट मीन स्क्रीन क्रैक आप यूज़ कर सकते नहीं कर सकते. ओके, तो ये है फ़ोन फुल्ली वर्किंग और कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली ओके है. तो मैं उसको ऐसे ही सेम तरीके से रखता हूँ जैसे हमने ऐसे रखा था. अगर इतना भारी प्रेशर पड़ता है सो क्या होता है, लेट्स सी. जैसे मैंने कहा गाइस, यू नो आज तक मैंने किया नहीं और ट्राई करना ज़रूरी है. सो मैं दोनों टायर को ले जाऊंगा आगे इस पे चढ़ा के, प्रॉपर है ना. अगर ये वर्किंग कंडीशन में रहा देन अगेन इट्स रियली ड्यूरेबल फोन, नो प्रॉब्लम. चलिए ओके, चल मेरी धन्नो. क्या हुआ. फ्रंट डिस्प्ले तो ओके है, लेकिन बैक पैनल डेफिनेटली क्रैक हो गया. कैमरा लेंस भी बुरी तरीके से क्रैक हुआ है, बट डिस्प्ले अभी भी ओके है. सो अगर आपका फ़ोन स्क्रीन की साइड से गिरता है, दैट मीन्स कुछ नहीं होना चाहिए. सो बैक केस तो इसका टूट गया, देखते हैं फ्रंट कितना ड्यूरेबल है. फ्रंट को भी हम ड्रॉप करते हैं. ओके, तो मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ इस बार, और हम यहाँ से बैक करके ले जाते हैं, ठीक है, सेम प्लेस पे. लेट्स सी क्या होता है. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. मी टेन आई 5G, आई होप कि मैं सही से बैक करूं. और Thank you.
शायद अगला नहीं गया, बट पिछला आई गेस प्रॉपरली गया था, फ्रंट नहीं गया। बट अभी भी फोन प्रॉपरली वर्किंग है, आप सही से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एमोलेड पैनल होता तो आई एम श्योर 100% कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। वो गैलेक्सी S5 जो मैंने आपको बताया था वो एक्चुअली एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड कर्व्ड स्क्रीन, ऑल द कूल स्टफ, सो वो मर गया। सो मीट एन आई 5G रियली सॉलिड ड्यूरेबल फोन, गिर भी जाता है तो एटलीस्ट आपका फोन प्रॉपरली वर्क करेगा। आई होप गाइस रियली एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप ऐसे वीडियोस और फ्यूचर में देखें डेफिनेटली कमेंट्स एंड थॉट शेयर करेगा, और किस फोन का हम ट्राई करें, परहैप्स गैलेक्सी S21 Ultra मेरे पास ऑप्शन है, उसका भी हम ट्राई कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।